Welcome to the Lion's Den. Hello guys and welcome to today's video. Good morning, good afternoon, good evening. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं and this is my first voice over video, so hopefully आप सबको पसंद आएगा. And if you don't like it, let me know in the comment section where do you don't like it. And if you like it, let me know where do you like it. And सबसे interesting part आपको कौन सा लगा, ये सबसे best चीज़ क्या लगी, मेरी commentary लगी, gameplay लगा, sound लगा, tactics लगे, whatever your opinion is. And if you like it, then do like, share and subscribe अपने दोस्तों में, बांटिए इस video का and other things as well, you know all this. And so शुरू करते हैं यहाँ पे. like मैं container पे उतरता हूँ पहले तो, लाइक मैं आई विल बी शोइंग टू यू द गेम प्ले जो मैं मोस्टली खेलता हूँ. ऐसा नहीं कि कुछ अलग से एक्स्ट्रॉर्डनरी वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे उतरा हूँ. मैं मोस्टली यहीं उतरता हूँ, लाइक जॉर्जो नोवो या क्रेट्स पे ही उतरता हूँ, बिकॉज आई लाइक प्लेइंग अ लिटल फास्ट इन द स्टार्टिंग पार्ट. तो यहाँ पर मुझे गन्स मिल जाती है ना, आपके बाद मैं स्क्वाड देखने जाता हूँ. मैं देखते हैं आगे मैं क्या करूँगा. यहाँ पे स्पॉटिंग ट्राई कर रहा हूँ. यहाँ पे मुझे थोड़े से गनशॉट्स आते हैं एंड उसके बाद मैंने ढूंढना स्टार्ट करता हूँ. थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है यहाँ कहीं फाइट चल रही है, लोग हैं. सो उसके बाद गेम प्ले एंजॉय करते हैं. देखिए यहाँ पे एक फाइट हो गया एंड इट वाज अ गुड स्क्वाड. यू नीड टू वॉच दिस, दिस इज अ गुड स्क्वाड. ये अच्छी स्क्वाड थी एक. सो मैं यहाँ पे साउंड लेने की कोशिश कर रहा था एंड कोशिश कर रहा था कि स्पॉट हो जाए इनमें से कोई. नाउ हमारे में से एक बंदा नॉक हो गया था, मगर लाइक एक बंदा हमने भी नॉक कर दिया था अभी ने. सो आई वाज इन अ फेथ कि यहाँ पे अभी रश नहीं होगा एंड जस्ट ऊपर से थोड़ा सा कवर दे दूँ एंड स्पॉट हो जाए बंदे तो बेटर है. ये वेयरहाउस पिन नॉक हो जाऊंगा भाई. दो तीन तीन बंदे हैं मुझ पे, जल्दी ठीक है ना, होल्ड कर रहे हम लोग ज्यादा दूर नहीं. और बैंडेज हेल किट पे आ गया. मैं पीछे आ गया, लेफ्ट में है बंदे उस पर. अब काफ़ी देर होती जा रही थी एंड मैं मेरा पेशेंस लूज़ करे जा रहा था, क्योंकि कोई ना कोई लाइक जॉर्जो में आप ज़्यादा देर तक ही कंटेनर पे फाइट नहीं ले सकते, वरना कोई ना कोई आपको थर्ड पार्टी खरीदेगा. सो इसलिए आई थॉट कि नाउ नीडिंग एंड स्टार्ट करते हैं एंड घुसते हैं फटाफट. ये ले बैंडेज ले रेक्स. नहीं नहीं बंदा नॉक नहीं है, बॉट नॉक है. इस चक्कर में ना चलेगा. अबे किल कोई ले ले, कंप्लीट करो. नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी टॉमी ने रीलोड पे लगा दी थॉमसन गन 15, ये किल भी मेरा एक और हो जाता एंड यहाँ पे ये किल अभी ले जाता है. ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे किल चोरी होते हैं, बहुत किल चोरी होते हैं मेरे हमेशा, गरीब आदमी. एंड मेरी फेवरेट गन मिल जाती है मुझे यहाँ पे M4 एंड अब चाहे कोई भी आ जाए. एक मेरे पास भाई कुछ नहीं छोड़ा. अबे रेड डॉट तो छोड़ देते कम से कम. अब जैसा मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी होती है और ये हुई. टीम है, दूसरी टीम है यार. दो ही बंदे. अब ये आता है एक, इनमें से कॉन्करर उड़ता हुआ मेरे पास, ये देखिए. और ये गया ऐसे, गया ऑलरेडी हो गया क्या. सेकेंड नॉक हो गया फिर से. अब यहाँ अपनी आदत से मजबूर तुम्हारा भाई लायन हार्ट घूम रहा था अपनी गाड़ी में स्काउट करता हुआ लोगों को एंड मेरी स्क्वाड पीछे थी थोड़ा सा दूर एंड यहाँ मुझे फुटस्टेप आ जाते हैं तो मैं रुकता हूँ फाइट लेने के लिए. ये मैं पीरो की तरह उतर जाता हूँ. अगर मैं किस्मत अच्छी थी मेरी, मैं बच गया, अदरवाइज में से कोई भी एक सही होता तो मुझे ले लेता, बट M4 तो मेरे हाथ में थी तो ये लो. नहीं होता बस सर्कल में बंदे मार रहे. अब तुम्हारा भाई स्टाइल मार के बाहर कूदेगा और मुझे लगेगा बंदे मरे. मैं लगा हुआ था मार रहे मरे बंदे को मार, क्योंकि मुझे लगा अभी जो है वो भी उन्हीं की टीम का, इसलिए मैं लेट गया फटाफट. अब इनमें से लास्ट एक कॉन्करर रह जाता है जिसका मैं वेट करता हूँ विंडो पे, क्योंकि मुझे पता होता है कभी ना कभी उधर रहेगा, क्योंकि वहाँ से कोई ना कोई जा रहा है और बीच में मॉली है तो इसको आना ही पड़ेगा. और ये कॉन्करर मुझे पता चला आया ऊपर, और एक नेड है. हाय लॉन्ग ऊपर है, बेटे.
जैसा कि मैंने बोला मैं आदत से मजबूर हूँ, तो फिर से मैं अपने एक बंदे को गाड़ी में बिठा के स्काउट करने लग गया और मुझे आए कुछ गन शॉट्स। तो उन गन शॉट्स को देखने के लिए मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सीन था क्योंकि यहाँ पे हमारी स्क्वाड दो अलग अलग जगह फाइट लेने लग गई थी, जिसकी वजह से हमने एक बंदा सैक्रिफाइस कर दिया था, खो दिया था हमने। एंड ये सांप बने हुए थे, बंदे जबरदस्त तरीके हैं। तो सांपों से लायन हार्ट को भाई सबसे हार्डर लगता है। मैं एक बार को पूरी स्क्वाड से लड़ सकता हूँ जो खड़े हुए हैं, पर एक सांप से नहीं लड़ सकता। तो मैं इसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा एक बंदा हो जाता है नॉक। ये देखिए होगा नॉक, ये हुआ। एंड इसको तो मैं बचाने भी नहीं जाता क्योंकि ये देखो मुझे फायर आती है, मैं आराम से बैठ जाता हूँ, मुझे पता है लोग आएंगे। मैं अपना 6-6 प्रिपेयर कर लेता हूँ, इसके पीछे बैठ के हेल्थ लगा लेता हूँ। एंड तब तक पता चलता है कि अभी भी कहीं पे लड़ रहा है, वहाँ पे उसने अलग फाइट ले ली है। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हम वेट करते हैं, रेक्स भी यहाँ पे आ जाता है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे लगा था रेक्स उनकी साइड में। सो रेक्स यहाँ पे आ जाता है गाड़ी लेके, एंड इनमें से एक को मार देता है, मगर वहाँ पे अभी नॉक हो जाता है। मैं पता नहीं किससे लड़ रहा हूँ यहाँ, और इसको ऐड है कंपाउंड में। अरे भाई गया, बहुत लेट है यार, हटना। ये पबजी मोबाइल का सबसे बड़ा झूठ है गाइस कि बहुत लेट है, तीन बंदे नॉक है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अभी देखना तुम्हारा भाई जाएगा वहाँ पे और मेरे साथ क्या स्कैम होता है। इतनी फायर आती है ना मुझे कि भाई साहब अगर मैं गाड़ी नहीं घुमाता ना तो मेरी वहाँ पे ताबूत मिलती तुम लोगों को। ये वीडियो आगे ना जाती उसके। कंपाउंड में नीचे बैठा था गली में। एक तो फिनिश कर दिया, बाकी घर में ही है। अच्छा फायर तो इन्होंने दे दी, पर इनको पता नहीं मेरा आदमी क्या कर रहा है। एक और यार M4 से तो तुम्हें पता ही है, M4 6X तो भाई का जहर है। M4 6X भाई का हाथ में जहर है, जब जब चलती डाती कहर है, ठीक है ना, समझ जाओ। यार सारे गए क्या? सारे। अब यहाँ पे ये स्क्वाड खत्म करके मैं लूट अपनी पूरी करके आराम से स्क्वाडिंग कर ही रहा होता हूँ कि इतने में आती है पीछे से गाड़ी की आवाज। इसको मैंने इतना स्प्रे मारा ना, मगर ये बंदा भाई अमर पट्टा लेकर आया था, गाड़ी को लेकर इसके घर वालों ने मेरे को बढ़िया कर, ये बच के चला जाता है, किस्मत है इसकी। पर इनके गुस्से में राइट से नहीं जा रहा था फायर, और इनका गुस्सा उतरता है राइट, मगर प्रॉब्लम ये होती है तुम्हारा भाई मर्द की तरह शहंशाह की तरह खड़ा होकर बीच में स्प्रे देता है, मगर नाम देखना किसके आते हैं स्कैम। ये सब्जी दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है। ये देखो, अब ये देखो, मतलब और ये बंदे मेरे को बोलते हैं कि तुमने नहीं मारा, ये हमने मारा है। मतलब खून तो वहाँ जलता है कि सामने वाला कह दे किल चोरी था, समझ आता है, खून जलता है भाई, दिल रोता है, आदमी डैमेज दे दे पागल हो जाए। मैंने कहा मौली मार दूँ तीसरा शायद मर जाए, मगर नहीं, तीसरे की भी किस्मत नहीं है। हमने ना पूरे कर्म करे हैं भाई, बताऊँ उनकी किस्मत। एक तो आपके ही पास है, एक तो आगे को तो मैंने डैमेज करा था। सुना आप लोगों ने, सुना ये कि मैंने डैमेज किया। अरे यहाँ गोली चला चला के कच्चा फट गया मेरा, मेरी मैगजीने खाली हो गई है, मेरी M4 जल गई है, आगे से मजल ब्लॉक हो गया मेरा। अब ये कॉन्करर एक अलग लेटा हुआ था, अब मैंने इसको स्प्रे भी मारा पर ये पता नहीं कैसे बच गया भाई। सबके अमर पट्टे लिखे हैं आज मेरी किस्मत से, तो मेरी M4 चलती जहर है मगर ढानरी कहर आज, ये चल गलत रही थी आज। सो अभी देखते हैं, मैं इसको स्पॉट वॉट करके ढूंढता हूँ। मरेगा ये मेरे हाथ से ही, ये मरेगा मेरे हाथ से ही, यही गेम खत्म होगी देखना तुम। और इस बार मैंने नॉक करके वेट नहीं किया कि कोई चुरा चुरू ना ले, सीधा किल, नॉक और किल। अब यहाँ पे लास्ट में एक अपर लेवल का कॉन्करर छुपा होता है जो स्पॉट नहीं होता आराम से, देखना अब ये कहाँ मिलेगा और गेम कैसे खत्म होगी। ये देख रहे हो विनर विनर चिकन डिनर, MVP देख लेना तुम्हारे भाई का, क्योंकि मैंने ना अभी भी ये ना MVP मैंने जानबूझ के डाला है, पता है तुम्हें। आजकल ना बड़े कंट्रोवर्सी वाले चैनल चल रहे हैं, वो बड़े ना भाई घातक लोग हैं, वो कहते हैं कि MVP दिखाओ, हमें तो यूँ देखना है कि भाई कौन से सर्वर में खेल रहे थे, कि भाई तुम हो कौन, कि भाई तुमने मारे कितने, कि भाई तुम्हारा डैमेज कितना है। तो भाई ये रहा मेरा डैमेज, ये रहे मेरे KD, ये रहा मेरा सब कुछ, आप देख लो मैं कौन से सर्वर में खेल रहा था, क्या खेल रहा था, किसके साथ खेल रहा था, कितने बजे खेल रहा था, किस तरीके से खेल रहा था, सब देख लो, भड़ासपुरी निकाल लो और कंट्रोवर्सी ना करना, ठीक है, क्योंकि आगे ये चैनल है ना बहुत बड़ा होने वाला है।
एंड गाइस चलो बाकी सब आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, मैं आता रहूंगा ऐसी वीडियोस लेके। अंटिल टिल देन लव यू।